स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का डेली फोकस न्यूज में। और यहाँ पर हम बात करते हैं बॉलीवुड के गलियारों से। जी हाँ, बॉलीवुड के गलियारों से जबरदस्त खबर निकल कर आती है और हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ यानी कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ को लेकर। जी हाँ, कैटरीना कैफ को लेकर बॉलीवुड में हर तरफ माहौल गर्म रहता है और कैटरीना कैफ को लेकर एक बार फिर से एक और जबरदस्त खबर आ गई है, जैसा कि हम आप इसको इस वीडियो में बताने वाली है। जी हाँ, कैटरीना कैफ को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ती रहती है और एक बार फिर कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी पर ये सवाल खड़ा हो चुका है। जी हाँ, हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट है, यानी कि कैटरीना कैफ विकी कौशल के बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसा उनके फैंस और पब्लिक का कहना है कि कैटरीना कैफ जल्द ही विकी कौशल के बच्चे को जन्म देने वाली हैं, लेकिन विकी कौशल और कैटरीना कैफ की तरफ से अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी अभी किसी को भी नहीं दी गई है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, ये सिर्फ विक्की और कैटरीना ही जानते हैं। लेकिन इसी के बीच कैटरीना कैफ कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसकी वजह से सबको लग रहा है कि कैटरीना कैफ जल्द ही मां बनने वाली है। लोगों का ये कहना है कि आखिर कैटरीना और विकी क्यों नहीं अपने बेबी के बारे में पब्लिक यानी कि मीडिया वाले या फिर अपने फैंस को ये जानकारी दे रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, क्या कैटरीना और विकी इस बात को छुपाना चाहते हैं? वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या कैटरीना कैफ सच में मां बनने वाली हैं या फिर बस यूं ही उनके बारे में अफवाहें उड़ाई जाती है? वैसे कैटरीना और विकी की शादी 9 दिसंबर को हुई थी और उन्होंने जयपुर में बड़े ही धूमधाम से अपनी शादी की थी। और जिस तरह से कैटरीना कैफ ने अपनी शादी के लहंगे को कैरी किया था, उसमें विकी कौशल भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। इनकी जोड़ी बहुत ही सुपर हिट लग रही थी। तो इस तरह से कैटरीना और विकी को लेकर ये अफवाहें उड़ती रहती है। क्या है, कितनी है इसमें सच्चाई, एक कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएं।